Hello everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very very easy way. Yes my dear students, आप सबको पता है कि ये channel NEET UG Biology के preparation के लिए बहुत ही ज़्यादा useful है. Okay, अभी हम लोगों का Animal Kingdom chapter चल रहा है, so I would request कि जो भी बच्चों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे वो पहले के वीडियोस देख के फिर ये वाला वीडियो अटेंड करें, सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, और जो भी नोट्स या पीडीएफ से मैं इन वीडियोस में पढ़ा रही हूँ वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड करने मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर. ठीक है, सो लेट अस मूव फर्दर. आज हम लोग सबसे पहला फाइलम इस चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट फाइलम ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज दिस इज द फर्स्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स. ओके, व्हाट वाज नॉन कॉर्डेट्स? जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं रहता. वेरी गुड. नाउ हम लोगों ने कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किए थे, और उस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो भी हमने टॉपिक्स सब टॉपिक्स किए उसी सब टॉपिक्स एंड टॉपिक्स के बेसिस पे हम इस पॉरीफेरन को डिस्क्राइब करेंगे. उसके बाद हम पॉरीफेरा के यूनिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो इससे क्या होगा, हर एक फाइलम को हम एक ही तरीके से पढ़ेंगे जिससे एक सिस्टम में चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से रह जाएगी, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा टू रिकलेक्ट एंड टू रिमेंबर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ फाइलम पॉरीफेरा. पॉरीफेरा, द नेम इटसेल्फ टेल्स यू इट्स प्रॉपर्टीज. जैसे कि पॉरीफेरा वर्ड आया है फ्रॉम पोर्स. पोर्स का मीनिंग होते हैं समथिंग लाइक होल्स, और यू कैन से दैट देर आर ओपनिंग्स, है ना. तो उनके पूरे बॉडी में ऐसे छोटे 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 ओपनिंग्स हैं. ठीक है, इसके लिए इन इस कैटेगरी के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इसको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं. स्पॉन्जेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पंज या स्पॉन्ज की तरह तुम्हें दिखेगा, जहाँ पे ऐसे बॉडी हैं छोटे 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 छोटे, जैसे स्पॉन्ज में कैसे पोर्स रहते हैं वैसे इसमें पोर्स हैं. ठीक है, लेट अस स्टार्ट डिफाइनिंग दिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन फाइलम पॉरीफेरा वुड बी सेल्यूलर लेवल. बच्चे आपको याद होगा कि हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में किया है, एंड जिसमें हमारे पास सबसे पहला लेवल था सेल्यूलर, फिर था टिश्यू, फिर था ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम. सो पॉरीफेरा में क्या है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे सिर्फ जो बॉडी है वो सेल्स साथ में आ रहे हैं और वो अपने बॉडी का सिस्टम बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं. ठीक है, इसके लिए इनकी बॉडी प्लान क्या हो जाएगी? सेल एग्रीगेट. सेल एग्रीगेट मतलब सेल्स साथ में आके इस बॉडी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. ठीक है, सिमेट्री इनकी क्या होगी? सिमेट्री मीन्स वॉट? वेन एवर वी आर डिवाइडिंग एन ऑर्गेनिज्म इनटू एनी प्लेन, वेदर वी आर गेटिंग टू इक्वल हाफ्स और वी आर नॉट गेटिंग टू इक्वल हाफ्स, इफ वी गेट टू इक्वल हाफ्स दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल. और अगर हमें दो इक्वल हाफ्स नहीं मिल रहे कोई भी एंगल से, कोई भी प्लेन से तुम डिवाइड करो ऑर्गेनिजम्स को, पर दो इक्वल हिस्से, दो एकदम बराबर के हिस्से नहीं मिल रहे, तो वो बॉडी को हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं. एंड पॉरीफेरेंस आर मोस्टली asymmetrical. ओके, ये भी हमने किया हुआ है इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. सीलोम, ओके, ऑब्वियसली देयर इज नो सीलोम. अब जर्म लेयर्स ऑल्सो, यहां पे कोई भी जर्म लेयर्स टाइप ऑफ चीजें नहीं रहती. सो दे डू हैव टू लेयर्स ऑफ सेल अरेंज्ड इन देयर बॉडी प्लान, but they are not truly diploblastic. मतलब हम लोग क्या करते हैं उसके diploblastic, they are not truly diploblastic. हम लोग क्या करते हैं उसके बाहर के लेयर को एज अ एक्टोडर्म समझ लेते हैं, अंदर के लेयर को एंडोडर्म, बट दे आर नॉट ट्रूली एक्चुअली एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स. जैसे हमने पढ़ा था जर्म लेयर्स के बारे में वैसे डिवाइड नहीं हो रहे, अंडरस्टूड? सो दे आर नॉट ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक, दे डू हैव जस्ट टू लेयर्स ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन देयर बॉडी. ठीक है, सेगमेंटेशन मतलब बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट है एब्सेंट है, सो इट इज गोइंग टू बी एब्सेंट. ऑब्वियसली एक नॉन कॉर्डेट है, इसके लिए अगेन नोटोकॉर्ड इज गोइंग टू बी एब्सेंट. ओके, अब इनकी जो डाइजेशन है, ओके, जस्ट इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया कि डाइजेशन इज नथिंग बट इंट्रासेल्युलर.
व्हेन आई से डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, इसका मतलब क्या हुआ? दैट द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द सेल. ओके, सो फूड पार्टिकल्स इज टेकन इनसाइड द सेल एंड फिर अंदर वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं. आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन द वीडियो ऑफ डाइजेशन, समझा? अब लेट्स कम टू एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये कैसे हो रहा है. तो बेटा ये एक सिंपल बॉडी प्लान है और एक बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है. इनके पास बिल्कुल भी कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स या कोई भी स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं है टू परफॉर्म दीज काइंड ऑफ फंक्शंस, ठीक है? तो इनकी एक्सक्रीशन भी बस उनके बॉडी के वॉल से हो रही है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज लाइक अ पॉलीफेरिन, ओके, तो बस इनके वॉटर जो अंदर आ रहा है, ओके, दिस वॉटर विच इज कमिंग इन साइड एंड वॉटर विच इज गोइंग आउटसाइड, एक सिंपल डिफ्यूजन मेथड से दे आर डूइंग एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन एंड एवरीथिंग. ओके, इवन खाना भी बस यहीं से आ रहा है. ओके, सो वील अंडरस्टैंड दैट पॉलीफेरेंस ये करते कैसे. सो एक्सक्रीशन इज जस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन, ओके, वेर इन देर इज समथिंग कॉल्ड एज वॉटर कैनाल सिस्टम हेल्पिंग देम. रेस्पिरेशन के लिए भी सेम, वॉटर कैनाल सिस्टम इज हेल्पिंग देम, ठीक है? अब दूसरा, ये जो मेल्स एंड फीमेल्स है, आर दे प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी और दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट बॉडी? सो यहाँ पे मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी. एंड बच्चा लोग, मैंने बताया था इसके पहले के वीडियो में कि अगर सेम बॉडी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हर्माफ्रोडाइट है ना, हर्माफ्रोडाइट. इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. व्हाट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें क्या बताना है, सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है. तो बेटा एनसीईआरटी बोल रही है कि दोनों कर रहे हैं, सेक्सुअल भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बट ऑब्वियस गैमीट्स के थ्रू हो रहा है एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे आर गिविंग यू एज फ्रेगमेंटेशन, मतलब टुकड़े हो जाते हैं एंड हर एक टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है. फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में हमें क्या डिस्क्राइब करना था, कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है. सो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल है. इंटरनल का मीनिंग क्या बताया था मैंने, यस, द मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज इनसाइड, इट फ्यूज इनसाइड the body of female. Samjhe, development is going to be indirect. If development is going to be indirect, iska matlab kya hai, larva stage is present. So larva stage is going to be present. Okay, circulation ke liye, अगेन फॉर सर्क्यूलेशन ऑल्सो दे डू नॉट हैव सम डेफिनेटिव सिस्टम, ओके, ऑफ सर्क्यूलेशन, बट अगेन इट इज थ्रू द डिफ्यूजन ओनली. ओके, एंड वॉट इज नर्वस सिस्टम? नो स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट हैबिट एंड हैबिटाइट, सो विच इज दैट जगह जहां पे वो प्रिफर करते रहना, सो देन इट हैज टू बी मोस्टली मरीन. ओके, देयर आर सम विच आर फ्रेश वाटर ऑल्सो. तो फिर हम ये सोच रहे हैं कि ये इतना सिंपल है तो यहाँ पे हमें क्या कुछ नया दिखा जो प्रिमिटिव एनिमल से थोड़ा एडवांस है. तो जैसे कि ये स्पॉन्जेस जो है बेटा, ये जो स्पॉन्जेस है, दे हैव बिकम व्हाट, मल्टी सेल्यूलर. And यहां पे सम डिविजन ऑफ लेबर यू कैन सी. सो इन स्पॉन्जेस यू कैन सी वॉट, सम डिविजन ऑफ लेबर. तो ये उनने दूसरे लोगों से एक एडवांसमेंट किया, सम डिविजन ऑफ लेबर इज सीन.
दूसरा ये जहां रह रहे, कहां रह रहे, मैंने बताया था मोस्टली मरीन, मोस्टली मरीन मतलब कुछ फ्रेश वाटर है, ठीक है, मतलब ये एक्वेटिक लाइफस्टाइल में है। अब ये जो बोलते हैं ना एक्वेटिक लाइफस्टाइल में स्पॉन्जेस, अब ये एक ही जगह पे फिक्स है, तो यार ये तो सोच रहे मुझे एनिमल्स तो बना दिया, बट आई कैन नॉट डू लोकोमोशन। यस दैट इज द स्टोरी। सबसे पहला वाला नॉन कॉर्डेट है, तो बाकी सारे थोड़े थोड़े एडवांस फीचर्स दे दिए और थोड़े थोड़े बहुत ही बेसिक, करेक्ट। सो दे आर वॉट, सेसाइल। सेसाइल मीन्स वॉट, दे आर फिक्स्ड, दे आर अटैच्ड, अटैच्ड टू द बेस, विच वी कॉल इट एज सबस्ट्रेटम। क्या बोलते हैं हम? सबस्ट्रेटम, समझा? तो ऐसे हम पॉरीफेरा को डिस्क्राइब करेंगे। अब पॉरीफेरा के जो दो लेयर्स की मैं बात कर रही थी, तो एनसीईआरटी में भी ये दो लेयर्स से कुछ वर्ड्स मेंशन्ड है, एंड उस वर्ड्स के बारे में बेटा तुम्हें पता होना चाहिए। लेट अस सी। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसी डायग्राम को तुम्हें एक्सपैंड करके प्रॉपरली दिखा देती हूँ कि हम यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जस्ट ऑब्जर्व कि आई एम जस्ट ड्रॉइंग, ये जो ये वाला जो इतना सा पोर्शन है, मैं उतना तुम्हें बता देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है ये, ठीक है? तो मान लो कि दिस इज सपोज अ पॉरीफेरल विच आई एम ड्रॉइंग, ठीक है? अब अंडरस्टैंड, इनके पास एक बाहर का लेयर होता है, एंड ये बाहर के लेयर में ऐसे सेल्स होते हैं, ओके? सो दे हैव दीज सेल्स ऑन द आउटर साइड, फाइन, ओके? अब अंदर की तरफ भी एक काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो ऐसे फ्लास्क जैसे रहेंगे, ओके? एंड दे वुड हैव दिस फ्लैजेला, फ्लैजेला, फ्लास्क, एंड दे वुड हैव दिस फ्लैजेला, ठीक है, समझ में आया? अब ये दोनों के मतलब यहां से एक सेल ऐसे आता है विच इज प्रेजेंट लाइक दिस, आई विल शो इट टू यू प्रॉपरली। यहां से एस है, ओके, ओके, सो दीज आर द सेल्स। अब ये वाला जो सेल है वाइट वाला, इस सेल्स को हम बोलते हैं पोरोसाइट। ये सेल को पोरोसाइट बोलते हैं, और ये सेल की जो सिर्फ ये ओपनिंग दिख रही है यहाँ पे, हाँ, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया, ठीक है? ये येलो कलर के जो सेल्स है इसको हम बोलते हैं पिनाकोसाइट। क्या बोलते हैं? पिनाकोसाइट। तो तुम्हें बेटा यहाँ पे भी वो दिख रहा होगा, जैसे कि ये हो गया तुम्हारा पोरोसाइट, ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया तुम्हारा पिनाकोसाइट विच इज द आउटर लेयर, ओके, एंड देन यू कैन सी दैट दिस इज योर ऑस्टिया, और ऑस्टियम फॉर सिंगुलर, एंड ऑस्टिया द ओपनिंग दैट वी कॉल, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। अब यहां पे इन द सेंटर दिस पोर्शन, ओके, इन द सेंटर, सपोज इफ दिस इज द लाइनिंग ऑफ फ्लैजेला, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मीजोहाइल लेयर। कौन सा लेयर? मीजोहाइल लेयर, विच इज ऑल्सो गिवन हियर। अब इस मीजोहाइल लेयर के अंदर देर वुड बी सम ऐसे ऐसे स्केलेटल जैसे स्ट्रक्चर्स, ओके, ऐसे फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है? सो ये जो फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर्स है इसको हमने बोल दिया है स्पॉन्जिन फाइबर्स। देखो ये सारे टर्म्स एनसीईआरटी यूज कर रहा है, तो हमें भी ये पता होना चाहिए कि ये टर्म्स है क्या, ठीक है? इसको हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स, ठीक है? पहले पूरा सुन लो, वापस मैं रिवाइज कराती हूँ तुम्हें, ठीक है? इसको हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स। ये जो फ्लैजेला जैसे जो सेल्स है इसको हमने बोल दिया है कोएनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स, ठीक है? इस वीडियो में चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके वापस से देख लेना, कंपेयर कर लेना जो लेफ्ट में जो डायग्राम है, राइट में जो है, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है, अच्छे से सुन, ये जो कोएनोसाइट्स है, ओके, ये तुम्हारे अंदर वाली कैविटी को लाइन कर रहे हैं, और ये अंदर वाली कैविटी को हमने क्या बोल दिया है? स्पॉन्जोसील। व्हाट डू वी कॉल इट एज? स्पॉन्जोसील। सो कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस है ना, कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस
is sponges is called as what? Spongocoel. And is spongocoel ko line kon karna hai? Yes, is spongocoel ko line karna hai coenocytes ya collar cells. Samajh mein aaya? Theek hai? So, pehle to understand kar lo. Outer layer, jisko hum bolte hai, the epidermal layer. ठीक है. नाउ दैट एपिडर्मल लेयर इज मेड अप ऑफ योर पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स. सो योर पिनाकोडर्म और एपिडर्म, ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? पिनाकोसाइट्स प्लस पोरोसाइट्स. ठीक है, ये दोनों से आउटर लेयर बना है. दिस इज विच लेयर? आउटर लेयर. आई बात समझ में? अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट दीज कॉलर सेल्स? ओके, सो व्हाट अबाउट दीज कॉलर सेल्स? ये जो कॉलर सेल्स है दे हेल्प फॉर डाइजेशन. ओके, दे आर गोइंग टू हेल्प फॉर व्हाट? डाइजेशन. फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने का जो काम है ये कॉलर सेल्स कर रहे हैं. ठीक है, तो आई बात समझ में? और ये स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स क्या है? तो ये स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स क्या बना रहा है? वो जो स्पॉन्ज है जो ऐसे प्रॉपरली एक पर्टिकुलर पोजिशन में स्टैंड कर रहा है, वो शेप जो है स्पॉन्ज का वो उसके स्केलेटन की वजह से आ रहा है, जो उसका इंटरनल स्केलेटन है विच इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स. ओके, एंड दे दिस स्पिक्यूल्स कैन बी मेड अप ऑफ कैल्शियम, कैलकेरियस बोलते हैं, या फिर इट कैन बी सिलिशियस ऑल्सो, मतलब सिलिका से भी बने हुए हो सकते हैं. समझ में आया? तो ये उसका स्केलेटन बना रहे. अब व्हाट इज वाटर कैनाल सिस्टम? व्हाट इज वाटर कैनाल सिस्टम? सो समझ लो कि हमें एक चीज पता चल गई ऑस्टिया, एक और चीज हमें पता चल गई स्पॉन्जोसिल, एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि ये जो बड़ा वाला ओपनिंग है ना, इसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम. व्हाट डू वी कॉल इट एज? ऑस्क्यूलम. ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है. वापस से लेट मी जस्ट शो यू अ वेरी बेसिक एकदम डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक स्पॉन्ज का, जहां पे मैं दिखा रही हूं ऑस्क्यूलम. ठीक है, और फिर ये जो कैविटी है ये क्या है तुम्हारा? यस, वेट, मैं इसको ऐसे कर, ये कैविटी क्या है? स्पॉन्जोसील. ओके, एंड ये जो ऐसे पोरोसाइट्स आर देयर, तो यहां पे यू विल हैव दीज ओपनिंग्स विच यू कॉल इट एज ऑस्टिया. ठीक है, नाउ इमेजिन दैट दिस पर्टिकुलर स्पॉन्ज ये पानी के अंदर है. ठीक है, सो ऐसे पानी है यहाँ पे, एंड दिस स्पॉन्ज इज देयर इनसाइड दिस वॉटर. ओके, नाउ पानी के अंदर, नाउ द वॉटर इज गोइंग टू कम इनसाइड. ओके, अब वॉटर इनसाइड कैसे आ रहा है? Then water inside is coming through the ostia. Okay, it is going where? In the spongocoel, and it is going out through the osculum. Again, water is coming inside through the ostia. From the ostia, it is going to the spongocoel and coming out through osculum. So imagine करो, जब पानी ऐसे आ रहा है ना अंदर, तो वो फूड लेके आ रहा है, वो ऑक्सीजन लेके आ रहा है, एंड पानी जब ऐसे बाहर जा रहा है ऑस्क्यूलम से, तो वो क्या कर रहा है बेटा? सारा वेस्ट वगैरह सारा बाहर लेके चला जा रहा है. तो यहाँ पे सर्कुलेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, खाना भी अंदर आ रहा है. समझ में आया? सो ये वॉटर कैनाल सिस्टम का काम है. वॉटर कैनाल सिस्टम जो है, मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स तुम्हारे लिख रही हूँ. वॉटर कैनाल सिस्टम का जो सीक्वेंस है बेटा, वॉटर कैनाल सिस्टम का सीक्वेंस ये है कि वो आता ऑस्टिया से, द वॉटर विल कम इन, इट विल गो इन द स्पॉन्जोसील, एंड देन इट विल गो आउट फ्रॉम द ऑस्क्यूलम. ओके, विच इज द बिगर ओपनिंग. सो यहां पे हमने ऑस्टिया को बोल दिया है इन करंट पोर. ठीक है, स्पॉन्जोसील इज द कैविटी,
and osculum is the excurrent pore because the water is going to go out from it. Samjha? So this is water canal system. Water canal system se hi sara respiration, excretion, फूड गैदरिंग सब हो रहा है. सो मैं तुम्हें एनसीईआरटी भी दिखाऊंगी कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है एग्जैक्टली पैराग्राफ में. जैसे ही हम पॉलीफेरा खत्म करेंगे हम फिर से सारी चीजें रिवाइज करेंगे और एनसीईआरटी में देखेंगे कि कहां पे प्लेस्ड है. सो जस्ट डोंट वरी, तुम्हारा बहुत अच्छे से होने वाला है सब कुछ, ठीक है. नाउ जब भी स्पॉन्जेस को रिप्रोडक्शन करना होता है तो सेक्सुअली वो गैमिट से कर रहे हैं और एसेक्सुअली वो कैसे कर रहे हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन. बट मान लो कि कंडीशंस अनफेवरेबल अगर हो जाती हैं तो यही स्पॉन्जेस एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम इंटरनल बर्ड्स बोलते हैं एंड उस स्ट्रक्चर को हमने बोला है जेम्यूल फॉर्मेशन. बेटा जेम्यूल फॉर्मेशन के बारे में एनसीईआरटी कुछ दे नहीं रही है, तो अगर तुम सिर्फ इतना याद कर लोगे कि जेम्यूल फॉर्मेशन एबनॉर्मल कंडीशंस या एडवर्स कंडीशंस में इंटरनल बर्ड्स बनते हैं स्पॉन्जेस के या जेम्यूल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉन्जेस, बस बहुत हो गया अगर उतना भी तुम्हें याद रह रहा है तो, ठीक है. अब जेम्यूल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल अगेन दिस इज स्पॉन्जेस, दिस इज आउटर लेयर, दिस इज द इनर लेयर. यहाँ पे इन द सेंटर यू हैड समथिंग कॉल्ड एज मीजोहाइल लेयर. कौन सा लेयर था, मीजोहाइल. अब इधर कुछ सेल्स होते हैं अमीबा जैसे, उस सेल्स को हमने बोला है आर्कियोसाइट्स. क्या बोला है हमने, आर्कियोसाइट्स, ओके. अब ये जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं तो ये आर्कियोसाइट्स सारे तुमने देखा ऐसे बीच में आ जाते हैं और उसके आजू बाजू स्पिक्यूल्स आ जाते हैं. बाकी का स्पॉन्ज स्ट्रक्चर अगर बर्बाद भी हो गया अनफेवरेबल कंडीशन में तो ये एक जो अंदर का जो बर्ड है, ओके, जो आजू बाजू स्पिक्यूल्स बना रहा है, आजू बाजू एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बन जाती है, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेता है अनफेवरेबल कंडीशन में. और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी इट विल ब्रेक दिस स्पिक्यूल्स एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. So it has got a very good regeneration capacity also, sponges. Samjha? So gemmules, which is internal buds, are formed in sponges. They are archaeocytes surrounded by protective covering to tide over seasonal drought or some adverse environmental condition. So unfavorable condition ke time poriferans kya banayenge, gemmule banayenge. Bas that's it that you should remember. Okay. Now, let us come to the NCRT के examples जो sponges के दिए हैं, ठीक है. अब NCRT examples करने से पहले let us now again go through के NCRT पहले describe क्या कर रहा है, क्या सारे points cover हो गए हमारे. Let us see. Members of this phylum are commonly known as sponges, पहले ही बता दिया था. Generally marine and mostly asymmetrical. So basis of classification अगर अच्छे से तुमने कर लिया और वो जो chart मैंने जो तुम्हें बोला था, जो NCRT का chart है, जो figure है, अगर वो आपने अच्छे से कर लिया then like बहुत अच्छे से सारे phylums की आधी चीजें तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगी. फिर सिर्फ उसके unique features याद रखने हैं, ठीक है. They are primitive multicellular organism. If you remember primitive multicellular organism के लिए मैंने एक word लिखवाया था, that is parazoa, है ना. So only poriferans they belong to parazoa. नहीं याद आ रहा है तो मैं बता देती हूँ कि multicellular animals को हम बोलते हैं metazoa. Metazoa is multicellular animals. तो सारे animal kingdom को metazoa बोलेंगे. उसमें से दो division है, एक है पैराजोआ जो प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर है, जो यहां लिखा है ना प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर है, ठीक है. एंड उसमें सिर्फ पॉरीफेरा आता है, बाकी सारे के सारे किस में आ जाते हैं, यू मेटाजोआ. यू मेटाजोआ मींस द मोर एडवांस लेवल ऑफ मल्टीसेल्युलर. सो वो सारे के सारे यू मेटाजोआ में आ जाते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज दे हैव सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव डन दिस. दे हैव समथिंग कॉल्ड एज वॉटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और वाटर कैनाल सिस्टम में कहां से एंटर हो रहा है, ऑस्टिया से वाटर एंटर हो रहा है, फिर कहां जा रहा है, बॉडी वॉल से. बॉडी वॉल से किधर जा रहा है, सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील से, और स्पॉन्जोसील से बाहर किधर जा रहा है, ऑस्क्यूलम में. बॉडी वॉल वर्ड भी अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी वॉल ऑस्टिया से एंटर होके वॉल में आके फिर वो कैविटी में जा रहा है, ठीक है.
द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ये तुम्हारा बड़ा वाला एमसीक्यू बन जाता है बेटा, बहुत अच्छा वाला। इट हेल्प्स इन फूड गैदरिंग, सारा खाना आया ठीक है, ओके। देन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब हमने बोला था कि ये जो खाना आता है वो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो रहा है। तो बच्चा लोग, सपोज ये तुम्हारा कैविटी है, दिस इज योर कैविटी या दैट इज स्पॉन्जोसीन ठीक है। अब यहां पे ऐसे कैविटी को लाइन करके हैं ऐसे कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स, दिस इज लाइक कॉलर सेल्स ठीक है। और पानी ऐसे अंदर आ रहा है, वाटर इज कमिंग इनसाइड, तो ये फूड लेके आया। अब ये फूड जो लाया वो इस सेल्स के अंदर जाता है ठीक है। इसको मैं थोड़ा अगर एक्सपैंड करके दिखाऊं, तो सपोज इफ दिस इज द फ्लैजिलेटेड सेल, द फूड, इफ दिस इज द फूड, इस फूड इज गोइंग इन द सेल ओके, एंड इनसाइड द सेल ओनली इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। यहां से ही हम इसको स्मॉलर पार्टिकल्स में सेल में डिवाइड कर देते हैं ठीक है। रिमेंबर डाइजेशन, आई हैव टॉट यू जस्ट अ प्रीवियस वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो में। तो अंदर सेल के अंदर फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाती है ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसीन एंड द कैनाल्स। डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर, द बॉडी सपोर्टेड बाई द स्केलेटन, स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स, समझा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इट मीन्स दे आर हर्माफ्रोडाइट, ये भी हमने बात कर ली है। मीन्स एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाई द सेम इंडिविजुअल, एसेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाई द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल का मीनिंग मेल एंड फीमेल बॉडी फ्यूज इनसाइड द, सॉरी मेल एंड फीमेल गैमिट्स फ्यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। And development is indirect, इसका मतलब यहाँ पे larval stages है, which is morphologically distinct from the adult. Larva क्या होता है, ये भी मैंने इसके previous video में समझा दिया। अब समझा इसका previous वाला video मैंने क्यों बनाया था, कि कुछ terms ऐसे होते हैं जो आपको phylum पढ़ने से पहले करने जरूरी हो जाते हैं। So we should have a very good clarity of those terms, ठीक है। अब जो NCERT के examples है वो कर लेते हैं। ये diagram based question में सीधा ऐसा diagram दे देंगे, बोलोगे पहचानो कौन सा वाला है। तो बेटा ये वाला जो है, दिस इज यू स्पॉन्जिया ओके, और इसको बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं ओके। दिस वन इज कॉल्ड एज साइकॉन एंड दिस वन इज कॉल्ड एज स्पॉन्जिना, एंड स्पॉन्जिना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एग्जाम्पल है फ्रेश वॉटर स्पॉन्ज का ओके। सो ये कर लेना अच्छे से। और एक बात, साइकॉन हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, स्पॉन्जिला तुम्हारा हो जाता है फ्रेश वाटर, यू स्पॉन्जिया हो जाता है बाथ स्पॉन्ज ठीक है। एंड यूप्लेक्टेला करके एक आता है, ये काफी बार, मतलब ये बहुत नोन स्पॉन्ज है एंड ये पता होना चाहिए, अच्छी बात है। इसको हम बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। क्यों ऐसा बोला गया बेटा, ये है ना, it is used for gifting purpose in Japan. So, Japan में marriages में ये gift करते हैं okay, and this is considered as a very beautiful gift and very nice gift in Japan to give it in the marriages okay, that is Euplectella okay. इसका जो skeleton होता है वो एकदम ऐसे glass की तरह दिखेगा ओके। एंड एक और एग्जाम्पल है ग्लास रोप स्पॉन्ज का, जिसको बोलते हैं हाइलिनोमा। दिस इज अ ग्लास स्पॉन्ज, इसको ग्लास स्पॉन्ज करके जाना जाता है ये। एंड यू हैव समथिंग कॉल्ड इज क्लियोना, विच इज नथिंग बट द बोरिंग स्पॉन्ज। बोरिंग मतलब ऐसे बोरिंग नहीं, बोरिंग मतलब इट क्रिएट्स बोर्स और होल्स ओके, द बोरिंग स्पॉन्ज। सो बेटा इंपॉर्टेंट यूप्लेक्टेला याद रखना है, ये याद रहा तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। ये अगेन वापस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके लिए उसको प्रॉपर हाईलाइट किया है कि स्पॉन्जेस के जो स्केलेटन है ये ऑलमोस्ट कौन से वाले स्केलेटन होते हैं, इंटरनल मतलब एंडो, बॉडी के अंदर होता है इनका स्केलेटन, सपोर्ट दे देता है एंड इट कंप्राइजेस ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स, या फिर कभी कभार सिर्फ स्पिक्यूल्स रहेगा किसी किसी में, किसी किसी में सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर्स रहेगा, या दोनों भी रह सकता है।
पिक्यूल्स कैन बी मेड अप ऑफ कैल्शियम और इट कैन बी मेड अप ऑफ सिलिका. कैल्शियम से बना है तो कैल्केरियस, सिलिका से बना है तो सिलिशियस. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा स्पॉन्जेस खत्म हो जाता है. ठीक है, और एक वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद अनदर फाइलम, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना. तो बेटा मैं वापस, क्योंकि तुम ये पहला फाइलम कर रहे हो, तो मैं अच्छे से तुम्हें बता देती हूँ कि हम क्या करेंगे. हम हर एक फाइलम को कुछ पॉइंटर्स के अंदर डिस्क्राइब करेंगे जो हमने ऑलरेडी पहले 3 लेक्चर्स में कवर किए हैं, उसके मीनिंग्स एंड ऑल इन डिटेल. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, बॉडी प्लान क्या है, सिमेट्री, ये सब कॉमन चीजें रहेगी हम बताएंगे. फिर हम हमेशा उस पर्टिकुलर फाइलम के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि आउटर लेयर में पोरोसाइट है, फिर आउटर लेयर में तुम्हारा पिनाकोसाइट है, ये दोनों मिलके आउटर लेयर बनाते हैं. ये जो इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज कोएनोसाइट, एंड ये इनर लेयर क्या है बेटा, यस ये तुम्हारा डाइजेशन के लिए हेल्प करता है. ठीक है, उसकी कैविटी को स्पॉन्जो सील बोलते हैं. देन यू हैव दी स्पिक्यूल फाइबर्स एंड स्पॉन्जन्स विच इज फॉर्मिंग वॉट योर सॉरी स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जन फाइबर्स इज फॉर्मिंग वॉट द स्केलेटन ऑफ द पॉरीफेरेंस. ठीक है, यहीं पे तुम्हारे ये छोटे छोटे ऐसे अमीबोसाइट्स आ जाते हैं. ओके, अमीबोसाइट्स आर अमीबॉइड शेप सेल्स, वन ऑफ द अमीबोसाइट्स इज आर्कियोसाइट्स. ठीक है, फिर जेम्यूल फॉर्मेशन, वाटर कैनाल सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वाटर कैनाल सिस्टम के फंक्शन एज इट इज एनसीईआरटी लाइन से कर लेना. ठीक है, सो ये सारी चीजें ऐसे रिवाइज कर लेना, उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब जो भी पिक्चर्स दिए हैं एनिमल किंगडम के इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसको वैसे का वैसा करके जाना है. ठीक है, एंड देन वी टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड देन एनसीईआरटी. ठीक है, सो इसको अच्छे से कर लेना. ये वापस से मैं बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि ये नोट्स जैसे जैसे मैंने तुम्हें समझाए वैसे के वैसे ही लिखे हुए तुम्हें डाउनलोड करने फ्री में मिल जाएंगे इन माई टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. ओके, थैंक यू.